जहां पर हल्द्वानी में प्राधिकरण और रेरा के खिलाफ में विगत एक माह से प्रॉपर्टी डीलर और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और बुद्ध पार्क में एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरना भी दे रहे हैं। साथ ही धरने के पहले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इन अधिकारियों को सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं डेंगू का प्रकोप भी नहीं दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब यह लड़ाई लंबी चलेगी और इस एक्ट को लागू नहीं होने दिया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबके सब किसान हैं, और जो इनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है, जो अधिकारी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है, वो अधिकारी स्वयं में भ्रष्ट है। आप मुझे बता दीजिए किस अधिकारी की नैनीताल जिले में जमीन नहीं है? नैनीताल जिले में जितने अधिकारी हैं उन्होंने क्या उत्तराखंड में जमीनें नहीं खरीदी है? चलो वो गए हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पर वो बात किसान की करें। अगर वो किसान के लिए गए हैं तो किसान की बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आप हम जी ये 6 महीने का समय बढ़ा दो, ये क्या मतलब होता है? किसान जिंदगी भर जीवन आजीवन यहाँ पर है। आज अगर सरकार 5-6 महीने बढ़ा देती है हमारे किसानों को फंसाने का जुगाड़। पहले हमारी जो प्रमुख मांग है सरकार से और प्रशासन से रही है कि जो हमारे काश्तकार के ऊपर जो उनके उनको विश्वास में ना लेके जो रेरा के जो नियम जो सख्ती से लागू कर दिए गए। ये तो एक अनिश्चितकालीन हमारे अर्धकालिक फिलहाल धरने की शुरुआत है। 10 से हम 3 बजे तक अपना धरना देंगे यहीं पर, और इसका पहला दिन है और हम 1 महीने से आंदोलन को चलाते आ रहे हैं। मेरा एक निवेदन है हमारे प्रशासनिक अफसर से, जिन लोगों ने सालों से यहाँ पर प्राधिकरण लगाया है वो अपनी गिरबान पर पहले झांक करके देख लेंगे, जहाँ पर आपने प्राधिकरण लगाया है वहाँ आपने ऐसा क्या कर दिया? आपके पड़े हुए